हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी हो चुका है और इसी को भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आप वीडियो में एंड तक बने रहें और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें लिखा गया कि एक सीधी सड़क पर स्थित दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक सीधी सड़क है फ्रेंड्स, जिसमें दो बिंदु है, एक ए है और दूसरा बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको लिखा गया 110 किलोमीटर। ये 110 किलोमीटर दिया हुआ है। आगे लिखा गया, एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। एक मोटर सवार है जो फ्रेंड्स, जो प्रातः सुबह 7 बजे जो है 7 बजे चलना शुरू करता है 7 बजे चलना शुरू करता है सुबह 7 बजे जो है ए से बी की ओर जाता है, ए से बी की ओर जाता है, जिसका स्पीड दिया गया है, स्पीड दिया गया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाता है। आगे लिखा है कि बी की ओर जाता है और एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे, एक दूसरा मोटर है फ्रेंड्स जो सुबह 8 बजे जो है 8 बजे जो है वह बी से ए की ओर आता है, बी से ए की ओर आता है, जिसका स्पीड दिया गया 25 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वे किस समय परस्पर मिलेंगे, यानी कि ये दोनों जो आदमी हैं वह किस समय एक दूसरे से मिलेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग सबसे पहले ये 7 बजे चलना शुरू किया या 8 बजे चलना शुरू किया, तो सबसे पहले इसको अगर 8 बजे तक अगर इसको एक घंटा अगर चलाएंगे तो 20 के स्पीड से अगर जा रहा था, एक घंटा में 20 किलोमीटर चलेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर माइनस हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो हम लोग अब 90 किलोमीटर का डिस्टेंस अब बीच में रह जाएगा। अब हम लोग जान रहे कि ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों का स्पीड क्या है, ये अपोजिट है, यानी कि ए जा रहा है बी की ओर, बी जा रहा है ए की ओर। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन अगर होगा तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा, स्पीड हम लोग का ऐड हो जाएगा। तो स्पीड अगर ऐड हो जाएगा 20 और 25, यानी कि यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया, बीच का डिस्टेंस कितना बचा हुआ फ्रेंड, तो 90 किलोमीटर बचा हुआ है, और यहाँ पे 45 की स्पीड से अगर जाएगा तो क्या समय लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे, इसलिए समय अगर देखा जाए तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना फ्रेंड, तो 90 है, और स्पीड कितना, तो 45 है। अगर डिवाइड देंगे तो 2 आवर इधर आएगा, कितना आएगा फ्रेंड, 2 आवर लगेगा। मतलब ये हुआ कि यदि अगर 8 बजे, यानी कि दोनों का टाइम बराबर हो गया, इसको एक घंटा चला लिए तो 8 बज गया और ये 8 बजे चलना शुरू किया, तो 8 में अगर 2 घंटा अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, यानी 8 में अगर 2 घंटा अगर हम ऐड कर देते हैं, 2 घंटा अगर ऐड कर देंगे, 2 घंटा अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना बच जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ बोलेंगे 8 AM प्लस 2 आवर अगर इसमें ऐड करेंगे, मतलब 10 AM हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 42। देखिए, 42 में लिखा गया, एक एस्कॉर्टेड वीआईपी कार जो है दिल्ली से अमृतसर के लिए एक निश्चित गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि गति 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो 45 मिनट और कम समय लेती है। तो दोनों नगरों के बीच की दूरी बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ये तो हम लोग डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए, दोनों नगरों के बीच की जो दूरी होगा वो तो एक जैसा होगा, वो कम बेसी होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया क्या है कि एक एस्कॉर्टेड कार जो है दिल्ली से अमृतसर के लिए एक निश्चित गति से चलती है। यदि स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। तो स्पीड को अगर बढ़ा देगा
तो उसको एक घंटा कम समय लगता है, और फिर यदि उसका स्पीड को 10 किलोमीटर और बढ़ा देता है तो 45 मिनट और कम समय लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को पहचान लीजिए, जान लीजिए। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग का स्पीड दिया हुआ है नहीं कितना है, लेकिन स्पीड को अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दे रहा तो कुछ कम समय लग रहा, और फिर अगर स्पीड को बढ़ा दे रहा तो और भी कम समय लग रहा। या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि स्पीड को घटा देगा तो समय ज्यादा लगेगा, और स्पीड को घटा देगा तो और भी कम समय लगेगा, है ना, और स्पीड को घटा देगा तो और भी ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको सबसे पहले डिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या लिखिए, YELOW, हाँ ठीक है लिखो। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग का स्पीड अगर बढ़ाया है तो कम समय लग रहा, और फिर स्पीड को अगर बढ़ाया तो फिर 45 मिनट कम समय लग रहा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड को कम करेगा तो ज्यादा समय लगेगा, और फिर स्पीड को घटाएगा तो फिर भी और भी ज्यादा समय लगेगा। दो केस बन सकता है। तो ऐसे केस में आप याद रखिएगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन में। डिस्टेंस बराबर होता है S1 into S2 बट्टा डिफरेंस स्पीड इंटू डिफरेंस टाइम। इस चीज को आप लोग याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में बराबर होगा, यानी पहला स्पीड को अगर बढ़ा दे रहा तो समय कम लग रहा, और फिर स्पीड को बढ़ा दे रहा तो और भी कम समय लग रहा। मतलब दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस होगा बराबर, यानी पहला का जो डिस्टेंस होगा और दूसरा का जो डिस्टेंस होगा, दोनों क्या होगा, ये बराबर होगा। दोनों का क्या होगा फ्रेंड्स, ये बराबर होगा। तो पहला का अगर हम लोग डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा S1 into S2 by difference स्पीड into difference time। और दूसरा फिर अगर इधर अगर देखेंगे बोलेंगे S1 into S2 by difference स्पीड और into difference time। अरे बोल के मत लिखो, मन में लिखो, यहां पे उसमें रिकॉर्ड हो रहा। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि S1 आपको कितना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो S1 हम लोग का पता है नहीं, S1 कितना था हमको पता नहीं, S1 चलिए रहने दीजिए। लेकिन स्पीड को क्या कर रहा फ्रेंड, तो यहां पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा। मतलब बोलेंगे S1 में 10 किलोमीटर क्या हो जा रहा, प्रति घंटा बढ़ा दे रहा। तो डिफरेंस स्पीड कितने का हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 10 का हो जाएगा। और इनटू डिफरेंस टाइम, तो डिफरेंस टाइम कितने का हो रहा फ्रेंड, तो एक घंटा का हो रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बराबर इधर अगर देखेंगे तो S1 into S2, तो S1 कितना हो गया फ्रेंड, तो S1 देखिए S1 हमको यही रहेगा, और फिर हम लोग का S2 कितना हो जाएगा, तो एक घंटा। फिर क्या बोला फ्रेंड, 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए। मतलब S1 कुछ भी था और यहाँ पे स्पीड को 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया। मतलब पहले 110 हुआ था, और यानी पहले का स्पीड जो था फ्रेंड्स S1 प्लस 10 था, और उसमें फिर 10 किलोमीटर अगर बढ़ा देगा तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा S1 प्लस 20 हो जाएगा। और बाई डिफरेंस स्पीड, तो डिफरेंस स्पीड बताएगा 20 का इंटू डिफरेंस टाइम, तो डिफरेंस टाइम कितने को हो जाएगा फ्रेंड, तो एक घंटा तो पहले से क्या हो रहा था, वो लेट पहुंच रहा था, और अब यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे आप 45 मिनट और ज्यादा समय लगता, मतलब हो जाएगा 105 मिनट हो जाएगा, जिसको घंटा में अगर बदलेंगे तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इससे हम लोगों को क्या निकलेगा फ्रेंड, तो इससे हम लोग का निकलेगा S1 का वैल्यू निकलेगा। और जब S1 हमको स्पीड अगर निकल जाएगा तो हम कहीं पे भी पुटअप करेंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, तो मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इधर अगर कट किया जाए, देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ 15 से काटेंगे तो 15 सती 105 हो जाएगा, और 15 चौके 60 हो जाएगा।
फिर यहां से देखिए ये 1010 आपस में कट जाएगा, और यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे S1 ये S1 आपस में कट जाएगा, और आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, और 8 को अगर हम लोग S1 से गुना करेंगे हो जाएगा 8S1 प्लस 80 हो जाएगा। अब बराबर इधर अगर देखा जाए तो 7777S1 हो गया, और प्लस 7 × 14 = 140 यानी कि एस यानी 8 में से अगर 7 अगर माइनस होगा तो हम लोग का S1 आएगा फ्रेंड्स, S1 आएगा, और 140 में से अगर 80 अगर माइनस होगा तो 14 में से 8 गया 6 यानी 60 होगा। तो S1 का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड्स, 60 निकल गया। अब इसको किसी भी डिस्टेंस में हम पुटअप कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे पुटअप कीजिए या तो यहाँ पे पुटअप कीजिए, आप कहीं भी पुटअप कीजिएगा आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हमको डिस्टेंस अगर निकालना हो, डिस्टेंस अगर हम लोग निकालना हो तो डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है S1 × S2, तो S1 का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो S1 का वैल्यू हम लोग का 60 आया है, और S2 अगर हम निकालेंगे तो S2 कितना है, S1 + 10 है, तो S1 + 10 मतलब 70 हो जाएगा, और हम लोग का डिफरेंस स्पीड, तो डिफरेंस स्पीड कितने का हो गया फ्रेंड, तो हम लोग 10 का हो गया, और इनटू डिफरेंस टाइम कितने का हो गया, तो 1 घंटा का हो गया, मतलब ये 0 0 कट जाएगा, और फाइनली गुना करेंगे 6 × 7 = 42 हो जाएगा, 420 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखो BLACK नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 43। देखिए लिखा गया रमेश 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तथा 4.5 घंटा के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, इस प्रकार वह कुल दूरी का 3/5 भाग तय करता है, बाकी दूरी को 4 घंटा में तय करता है, तो बाकी दूरी की औसत चाल बताना है। तो फ्रेंड देखिए रमेश क्या करता है कि 3 घंटा, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हमको लिखा गया 3 घंटा चलता है, किस स्पीड से चलता है, तो 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो बोलेंगे 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। आगे फिर बोला कि 4.5 आवर के लिए, 4.5 आवर के लिए जो है 60 के स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाता है, तो कितना समय लग जाएगा फ्रेंड्स, तो बोल सकते हैं 5 × 6 = 30 की 0 हाथ में 3 हो जाएगा, और 6 × 24 = 27, मतलब 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 9 390 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल कवर हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए यहाँ पे देखने की चीज़ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस प्रकार वह कुल दूरी का 3/5 भाग तय कर पाता है, 3/5 भाग का मतलब क्या हो फ्रेंड, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हम लोग का ना 5 है, जिसमें से वो 3 भाग तय कर पाया, तो 3 भाग तय कर पाया यानी कि हम लोग का 390 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 3 भाग के बराबर है। हम बोलेंगे चूंकि 3 भाग बराबर जो है वह 390 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमको शेष भाग कितना बच गया फ्रेंड, तो 5 में से अगर 3 दूरी तय कर लिया, इसलिए हमको 2 भाग अगर और बचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 यानी कि 130 गुना दिख रहा, इसका अगर हम लोग 130 गुना अगर करेंगे 13 × 2 = 26 260 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये हम लोग का शेष दूरी 260 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया है तो बाकी दूरी को 4 घंटे में तय करना है, तो बाकी दूरी का औसत चाल बताइए। अब ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड इसको कितना समय में तय करना है, तो लिखा गया 4 घंटे में तय करना है, इसलिए हम बोलेंगे एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो हम लोग का शेष कितना डिस्टेंस बचा है फ्रेंड, तो 260 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, और समय कितना है, तो 4 घंटा, 4 से हम लोग डिवाइड देंगे, यानी बोल सकते हैं यहाँ 4 से 4 से अगर कट कर देंगे तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा,
तो फोर से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड तो बोल सकते हैं कि फोर से फोर, चार छक्का चौबीस के छः, चार छक्का चौबीस, हाथ में कितना बचा फ्रेंड तो दो बचा, यानी चार पच्चीस बीस, यानी कि हम लोग का एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो 65 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 44। देखिए इसमें लिखा गया है कि एक मोटर वाला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है। हमको दिया गया फ्रेंड डिस्टेंस, हम लोग का दिया गया डिस्टेंस जो हम लोग का दिया गया है, ये लिखा गया 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर का डिस्टेंस, 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हमको समय दिया गया, समय हमको दिया गया 45 मिनट में पूरी करता है, 45 मिनट में टोटल टाइम हम लोग का दिया गया, टोटल टाइम कितना दिया गया फ्रेंड तो ये 45 मिनट्स में तय करता है। आगे लिखा गया यदि वह पहले 15 मिनट x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 20 मिनट इससे दुगनी गति से तथा बाकी समय, यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है, वहाँ बाकी समय होगा, बाकी समय फिर पहले वाली मूल गति से पूरी करता है तो x का मान बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग चूंकि जानते हैं, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि स्पीड को यदि अगर हम लोग टाइम से गुना करें क्या निकलेगा फ्रेंड, तो हम लोग ये डिस्टेंस निकलता है ये हमको पता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि पहले जो x की स्पीड से जाता है 15 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड देंगे, प्लस फिर अगला जो है 20 मिनट इससे दुगनी गति से चलता है, मतलब यहाँ पे अगर स्पीड अगर x है तो 2x की स्पीड से चलेगा, 2x की स्पीड से चलेगा, अब 20 मिनट चलेगा, 20 मिनट यानी 20 बटा 60 हो जाएगा घंटा में लाने के लिए। और फिर बोलता तथा शेष समय के लिए फिर पहले वाली मूल गति से चलता है, तो मूल गति से चलता है मतलब मूल स्पीड क्या ना था x था, यानी x के स्पीड से चलेगा। और शेष समय आप देख सकते हैं, देखिए टोटल हम लोग का समय क्या ना 45 मिनट है, जिसमें यहाँ पे 15 मिनट लगा और यहाँ पे 20 मिनट लगा, मतलब 15 20 35 मिनट हो गया, 10 मिनट बचा हुआ है, वो मूल समय मूल स्पीड से चलता है, मतलब 10 मिनट जो है 10 मिनट जो मूल स्पीड से चलता है, और इस तरह से टोटल डिस्टेंस 39 किलोमीटर क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। हाँ पपाया, पी ए वाई ए वाई ए, पपाया, पी ए वाई ए। तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं आप यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 15x बाई 60 प्लस हम लोग का हो जाएगा 40x बाई 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10x बाई 60 बराबर हो जाएगा हम लोग का 39, यानी इसका अगर एलसीएम अगर देखा जाए तो हम लोग का 60 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15x प्लस 40x प्लस 10x इक्वल्स टू 39, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 40 10 50 60 65 65x इक्वल्स टू 39 इंटू 60। अब कट कर देंगे हम लोग 13 से, 13 पचे 65 और 13 तिया 39, फिर 5 से कट कर देंगे तो 5 से कट कर देंगे 12 बार में, इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 12 तिया 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बताएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। गलत, पी ए वाई ए वाई ए, पपाया, पी ए पपाया, पी ए पी ए वाई ए, पपाया पपाया, हाँ पी ए पी ए वाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 45। इसमें लिखा गया दो बसों में से एक 30 किलोमीटर लंबी यात्रा 15 बटा 2 घंटे में तथा दूसरी 450 मीटर लंबी यात्रा 10 घंटे में तय करती है, उनकी औसत चाल का अनुपात बताना है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ पे लिखा गया कि दो बस है ना, दो बसों में से एक जो है 300 किलोमीटर का सफ़र है, 300 किलोमीटर का सफ़र है, जो सफ़र करता है 15 बटा 2 घंटा में, 15 बटा 2 घंटा का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, 7.5 आवर, 7.5 आवर हुआ,
यानी इसको अगर 7.5 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हम लोग का स्पीड निकलेगा। फिर बोला जा रहा कि तथा दूसरी जो है 450 किलोमीटर का सफ़र जो है 10 घंटे में तय करता है। तो इन दोनों क्या निकालना है हम लोग का, स्पीड का रेशियो निकालना। तो फ्रेंड्स ये वाला अगर पॉइंट अगर हटा देंगे तो यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा, और 75 से अगर इसको कट कर देंगे तो 75 से हम लोग कट जाएगा 75 दूना 150, और 150 दूना यानी कि हम लोग ये 40 बार में कट जाएगा, और ये हम लोग का 45 बार में कट जाएगा। इसका रेशियो अगर निकालना फ्रेंड तो 5 से कट कर देंगे 8 बार में 5 से कट कर देंगे 9 बार में, यानी 8:9 का रेशियो आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। बैठो ना, हील डोल कहल कर रहे हो, उतना खडूड़ खडूड़ कहल कर रही है, अभी जाते जाते दूजा झपड़ा लग जाएगा अभी। क्वेश्चन 46, देखिए 46 में लिखा, दिनेश 11 बजे दिन में कार से कोचीन से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हुआ। कितना बजे रवाना हुआ फ्रेंड, तो ये लिखा गया रवाना हुआ कितना बजे, तो रवाना हुआ 11 AM रवाना हुआ, और कितना की स्पीड से चला, तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, और 2 घंटे में आधी दूरी तय किया, यानी 2 घंटा का जो सफ़र है फ्रेंड, 2 घंटा का सफ़र मतलब 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये आधा दूरी है, मतलब पूरा दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड, पूरा दूरी हो जाएगा हम लोग का, इसको अगर 2 से गुना करेंगे यानी कि हम लोग को 240 किलोमीटर का सफ़र हो जाएगा टोटल। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, फिर बोला कि बाकी दूरी को किस चाल से चले कि त्रिवेंद्रम 4 बजे शाम को पहुंच जाए। तो बाकी दूरी, तो ये आधा दूरी है फ्रेंड्स, यानी आधा दूरी बराबर इतना है, तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, पूरा 240 होगा, लेकिन हमको पूरा दूरी अब चलना नहीं है, अब हमको आधा ही दूरी चलना है, क्योंकि आधा दूरी ऑलरेडी तय हो चुका है। तो हम लोग बाकी का जो आधा दूरी है, बाकी आधा दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग 120 किलोमीटर बचा हुआ है, और हमको शाम को 4 बजे तक पहुंच जाए, तो शाम को 4 बजे तक अगर पहुंचेगा फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं शाम को 4 बजे तक अगर पहुंचेगा, 4 PM तक अगर पहुंचेगा, तो यहाँ टोटल कितने घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 11 से अगर 4 देखेंगे तो 11 से 12 1 2 3 4 टोटल 5 घंटा का डिफरेंस है, जिसमें 2 घंटा ऑलरेडी चल चुका था, 2 घंटा अगर इसमें अगर हम माइनस कर देंगे मतलब 3 घंटा और चलेगा, तो 3 घंटा में ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस सफ़र कर पाएगा। और हमको निकालना क्या, हमको निकालना स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना फ्रेंड्स 120 किलोमीटर है, और टाइम कितना 3 है, अगर डिवाइड देंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलेगा, तो शाम को 4 बजे जो है वह त्रिवेंद्रम पहुंच जाएगा। सुना था फ्रेंड क्वेश्चन 48, देखिए लिखा गया, कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब कुत्ता 5 छलांग भरता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन 48। इसमें लिखा गया, कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है, कुत्ता 3 छलांग भरता है। यहां पे एक डॉग है फ्रेंड्स और एक रैबिट है, जितने देर में खरगोश जो है 5 छलांग लगाता है, उतने देर में कुत्ता जो है 3 छलांग लगाता है, मतलब समय दोनों का क्या है, बराबर है। तो समय बराबर अगर है, टाइम अगर देखा जाए फिर तो समय अगर यहाँ 1 लग रहा तो यहाँ भी 1 ही लग रहा, मतलब हम लोग अगर देख सकते हैं डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि यहाँ पे 3 की स्पीड से मान लीजिए जा रहा और 1 समय लग रहा, मतलब इसका हम लोग का डिस्टेंस 3 हो जाएगा,
और यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 हो जाएगा। ये क्या निकला हम लोग का, ये रेशियो निकला। आगे फिर बोला गया, यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, कुत्ते की एक छलांग, ये कुत्ता है फ्रेंड्स, कुत्ता का जो एक छलांग, कुत्ता का एक छलांग जो है, कुत्ता का एक छलांग जो है खरगोश के 3 छलांग के बराबर, खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। मतलब ये हुआ कि ये जितना, ये अगर 3 छलांग अगर लगाता है और ये एक छलांग लगाता है, तो ये दोनों क्या फ्रेंड्स, ये आपस में बराबर है। ये क्या है, बराबर है। और हम लोग पहले भी ऐसा कुछ जानते हैं कि यदि कोई चीज़ अगर बराबर है, उसको अगर रेशियो में अगर लाना है, तो उसको क्या करेंगे, क्रॉस करके लिखेंगे। मतलब यहाँ पे कुत्ता का जो डिस्टेंस का काम करेगा 3 हो जाएगा, और खरगोश का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसके चाल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो चाल का अगर स्पीड का रेशियो अगर देखेंगे फ्रेंड, तो स्पीड का अगर रेशियो देखेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 49 देखिए, लिखा गया एक कार ड्राइवर मैदान से पर्वतीय स्थल को जो 200 किलोमीटर दूर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिएगा फ्रेंड्स, यहां 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी 440 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है। मतलब यहां से जो जाता है फ्रेंड्स, 40 किलोमीटर की औसत गति से तय करता है, तथा लौटते समय उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करता है, और जब इधर से रिटर्न आता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से तय करता है। तो पूरी दूरी 400 किलोमीटर के लिए औसत गति क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जाते समय का जो हम लोग का समय लगेगा तो कितना लगेगा फ्रेंड्स, तो देखिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हम लोग का स्पीड कितना दिया गया, 40 का स्पीड है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लगेगा 5 घंटा लगेगा, कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। और आते समय का हम लोग का समय क्या लगेगा फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 20 की स्पीड से अगर आ रहा है तो 20 × 25 = 100, यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये 10 घंटा यहाँ पे लगेगा। इसलिए हम लोग का एवरेज स्पीड अगर देखा जाए फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार 200 किलोमीटर जाएगा और दूसरा बार 200 किलोमीटर आएगा, मतलब यहाँ पे 200 + 200 यानी 400 हो जाता है, और टोटल टाइम कितना हो गया, तो 5 घंटा और 10 घंटा यानी 15 घंटा हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 15 घंटा में अगर सफ़र तय करेगा, तो हम लोग 5 से कट कर देंगे, 5 × 40 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 3 बार में, फिर हम लोग कट कर देंगे इसको, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 2 बचा तो फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, और फिर 0.67 इतना हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को एंड तक देखे होंगे, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।